मूवी का स्टार्ट होता है एक 8 साल के बच्चे को दिखाते हुए, ही इज वेरी अफ्रेड। फिर हमें एक ग्रुप में बहुत सारे लोग दिखाते हैं, उनमें से 2 लोग थे एड एंड लॉरेन वॉरेन, एक फादर थे एंड वो जो छोटा बच्चा था उसका नाम डेविड है। डेविड की बहन और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उधर था ना। डेविड की बहन की बेस्ट फ्रेंड डेविड को बहुत पसंद करता था ना। सब लोग डेविड के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर डेविड अपने रूम में एक नॉक सुनता है। वो डर के अपने बाथरूम में चला जाता है एंड बाथरूम में उसे बहुत सारी इविल हाथ दिखाई देते हैं एंड उधर ही शावर से खून की बरसात होने लगती है। वो चिल्लाता है एंड बाकी सब उसके चिल्लाने को देख के उधर आते हैं। वहाँ पर डेविड पोजेस हो चुका था एंड पोजेस हालत में उसने अपने फादर पे चाकू मार दिया। डेविड को नीचे ले आ जाता है एंड नीचे जाते वक्त वहाँ पर वो अपने दीवार पे बहुत सारे स्क्रैचेस करता है। अमेजिंग बात तो ये थी कि वो दीवार को हाथ भी नहीं लगाया था। इससे हमें पता चलता है कि डेविड में कोई स्पिरिट आ गई है। सो डेविड को अभी एग्जॉर्सिज्म किया जाता है, बट एग्जॉर्सिज्म के वक्त वो बहुत पावरफुल हो जाता है एंड वो सब कुछ निकाल के अपने आप को फ्री कर देता है। बट जो लॉरेन एंड एड वॉरेन ने उसे बहुत जकड़ के पकड़ा था एंड उसी लिए डेविड अपने बॉडी को बहुत ही गलत तरीके से घुमाने लगता है। उधर ही डेविड की बहन के बेस्ट फ्रेंड ने डेविड को बोला कि जो भी इसके अंदर है वो मेरे में आ जाओ, डेविड को क्यों पकड़ा है। फिर डेविड की हालत ठीक होती है बट उसकी फ्रेंड की हालत ख़राब हो जाती है ना। इसी बीच डेविड ने एक्चुअली एड लॉरेन पे बहुत ही ख़तरनाक हमला कर दिया था, जिसके थ्रू एड को हार्ट अटैक आ गया। सो हॉस्पिटल जाने के बाद ये सब लॉरेन वॉरेन को पता चला कि अभी एड बहुत ही कमज़ोरी में है। फिर हमें दिखाई देती है डेविड की बहन और डेविड की बहन के बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों एक अपार्टमेंट में रह रहे थे एंड उस अपार्टमेंट में वो रेंट फ्री रह रहे थे। उस अपार्टमेंट में उस फ्रेंड को बहुत सारी अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी, कुछ इवल स्पिरिट्स, कुछ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें उसके हाथ होने, कुछ हैलुसिनेशन एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही ख़तरनाक सी लेडी, एक्चुअली बहुत ही अजीब सी लेडी। सो नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं वो अभी पेड़ काट रहा है। वो उसका एक्चुअली एक नॉर्मल सा डे था जिसमें वो अपना काम कर रहा था ना। वो कटर स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसी वक्त उसे कुछ आहट महसूस हुई, जैसे वो औरत फिर से उसके पीछे है एंड तब भी ही अचानक से वो वुड कटर नीचे स्टार्ट हो गया। इस हादसे के बाद वो वापस अपने फ्रेंड के पास आ गया। नाउ हॉस्पिटल में एड बताता है लॉरेन को कि अभी डेविड में वो भूत नहीं है बट उसके फ्रेंड में है। नाउ ही इज पजेस्ड एंड वो पजेस्ड हालत में बहुत गलत चीज़ें कर सकता है। लॉरेन फौरन ही एक ऑफिसर को कॉल करती है, उससे पहले वो उन दोनों को भी कॉल करती है एंड उन दोनों ने एक्चुअली उस ओनर के साथ एक पार्टी थ्रू आउट की थी और वहाँ पर डांस कर रहे थे। बट उस फ्रेंड की हालत उधर बहुत ख़राब होती जा रही थी, जैसे कि उसे कोई पजेस कर रहा है एंड उसे बहुत ही तकलीफ हो रही हो। फिर लॉरेन दिखाई देती है पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हुए एंड उसे बताते हैं कि डेविड के घर में जाने के लिए ताकि वहाँ पर सब कुछ ठीक रहे। अचानक से उस फ्रेंड को लगता है जैसे वो ओनर एक डेविल है एंड वो उसकी फ्रेंड को तकलीफ पहुँचा रहा है, तो वो दोनों मिल के उधर से चले जाते हैं। वो एक्चुअली एक हेलुसिनेशन था एंड उसके बाद वो डर में उसका मर्डर भी कर देता है एंड मर्डर करने के बाद वो उस रोड में अकेला एक अजीब से हालत में चल रहा होता है। फॉर्चून की बात ये थी कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर था जो उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर एड लॉरेन वॉरेन उसे जेल में मिलने आते हैं तो उसे बोलते हैं कि तुम बाइबल चैंट करो, अगर बाइबल तुमने सक्सेसफुली चैंट किया तो तुम्हारे अंदर कोई घोस्ट नहीं है, बट अगर तुम नहीं कर पाए इट मीन्स वो घोस्ट तुम्हारे अंदर ही है, वो स्पिरिट तुम्हें पजेस कर चुका है। उसने बाइबल बहुत अच्छी तरह से चैंट कर दिया, इसका मतलब वो घोस्ट अभी उसके अंदर नहीं था। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन हुई एंड उस लड़के की लॉयर एड और लॉरेन वॉरेन से बताया मतलब मिलती है एंड फिर उधर पता चलता है कि वो एक घोस्ट केस है, एक पोजेसिव केस है जो एक्चुअली उस लड़के ने नहीं बट उस स्पिरिट ने उससे करवाया, बट लॉयर वो मान नहीं रही थी।
और कोई चीज़ में बिलीव ही नहीं था। एड एंड लॉरेन वॉरेन ने उसे अपने घर बुलाया सो दैट उसे बिलीव हो जाए, ताकि वो उसे एनाबेल से मिल सके, ताकि वो लोग वो लॉयर उसे उन्हें बिलीव करें। एंड अल्टीमेटली थोड़ी सी बहस के बाद वो मान जाती है। एंड नेक्स्ट दिखाया जाता है कोर्ट का सीन। इट मीन्स कि लॉयर कन्विंस्ड हो चुकी थी, तो लॉयर ने बोला कि ये एक पोजेशन है, डेमोनिक पोजेशन केस है। बट ऑफ कोर्स कोर्ट एंड सबूत नहीं थे, इसलिए एड एंड लॉरेन वॉरेन ने सबूत ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक मतलब जो जिसने किया नहीं था उसे क्यों दोष मिले। तो उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की उस डे की जहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। वो एक फ्लैशबैक भी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर 5 महीने का सीन दिखाया जाता है उस घर में जहाँ पर डेविड रहता था। वहाँ पर एक वाटर बेड भी था एंड वाटर बेड में एक स्पिरिट भी था। एक स्पिरिट ने उसे पकड़ लिया था एंड वहाँ पर उस पानी के गिरने की वजह से वुडन प्लैंक भी ख़राब हो गए थे। बट उधर एड और लॉरेन वॉरेन जाते हैं एंड देखते हैं कि वो प्लैंक इसकी वजह से ख़राब नहीं हुआ था, कोई और ही रीज़न था। जब लॉरेन वॉरेन अंदर जाती है तो वहाँ पर वो एक टोटम पाती है, एक विच टोटम। अब ये विच टोटम बहुत ही खतरनाक टोटम है एंड इसकी अहमियत इस मूवी में बहुत ज़्यादा है। फादर ने बोला कि ये टोटम बहुत ही हाईफाई टोटम है, तो इसके लिए तुम्हें एक अलग से फादर को मिलना पड़ेगा। तब वो लोग एक अलग फादर के पास जाते हैं जिसने ये टोटम के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर चुके थे। उन्होंने बोला कि ये टोटम एक्चुअली सैटनिस्ट करते हैं, सैटन को जो प्रे करते हैं, ताकि वो लोग अपने एक लाइफ को एक मोक्ष देने वाला चीज़। उधर ही हम एक सैटनिस्ट को देखते हैं जिसने डेविड के बहन की फ्रेंड की फ़ोटो अपने पास रखा था। उसी वक्त उसके फ्रेंड को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, फिर से कोई भूत प्रेत उसे पकड़ने लगता है। फिर हमें एड एंड लॉरेन वॉरेन एक डिटेक्टिव के पास जाते हुए देखते हैं। सो वो डिटेक्टिव उन्हें बोलता है कि तुम लोग पास जो टोटम है वो एग्जैक्ट टोटम हमें दूसरी जगह से मिला था। बट एक्चुअली डिटेक्टिव भी वो सारी भूत प्रेत में इतना भरोसा नहीं करता था। वहाँ पर एक टेस्ट किया गया जिसमें लॉरेन उधर पास हो गए ना। वो अपने उस नाइफ वाले एक्सपीरियंस को लेके वही जगह पे जाती है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। 2 लड़कियाँ वहाँ से गायब हो गई थी, एक की डेड बॉडी तो वही मिल गई बट दूसरे की नहीं मिली। तो लॉरेन जब वहाँ पर जाती है वो पास्ट में चली जाती है जहाँ पर देखती है एक लड़की ने दूसरे को मार दिया था। एक्चुअली वो पोजेस थी। यहाँ पर जब लॉरेन जो रियल लाइफ में थी वो भी वो सारी चीज़ें इमिटेट कर रही थी एंड वो भागते भागते क्लिफ के एंड में आ गई। फाइनली वो बच तो गई बट अल्टीमेटली एक हाथ आके उसे अब खींच रहा था। एड ने उनकी मदद की एंड वो बच गए। इसी के साथ ही केस भी एंड होता है कि वो दोनों लड़की गए कहाँ, एक की डेड बॉडी मिल गई, दूसरे की डेड बॉडी उस रिवर में उस लेक में एक्चुअली मिल गए उन लोगों को। डिटेक्टर ने उन दोनों को थैंक यू कहा एंड वो दोनों उस टोटम को लेके अपने घर चले गए। एक्चुअली घर से पहले वो एक डेड बॉडी के सेंटर में गए जहाँ पर लॉरेन ने एक डेड बॉडी को छू के ये फील किया कि उस डेड बॉडी का पास्ट लाइफ क्या था। पास्ट लाइफ में जाने से उसे एक सैटर्निस्ट देखी, वही सैटर्निस्ट जिसने ये सब किया था, उन दोनों लड़की का मर्डर प्लस डेविड के बहन की फ्रेंड को जिसने अभी तक से पोजेस करके ये सब करवाया था। नाउ ये सब करते हुए वहाँ पर एक डेड बॉडी अलाइव हो गया एंड उन्हें अटैक करने वाला था बट एड ने लॉरेन को बचा लिया, उसे उस ड्रीम से निकाल दिया। अभी उनका एक जूनियर उन्हें एक बुक देता है जिसमें ये सारे सैटर्निस्ट के बारे में पता चला था कि क्यों वहाँ पर एक टोटम होता है एंड जहाँ पर टोटम होता है उधर ही क्यों पोजेशंस होते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद एड को एक हेलुसिनेशन होता है। वहाँ पर वो वही डेड बॉडी आता है जिसने अटैक किया था उन पर बट उसके जूनियर ने उसे मारने से मना कर दिया, एड को उस डेड बॉडी को मारने से मना कर दिया कि वह लॉरेन है। इससे हमें पता चलता है कि एड भी अभी पोजेस हो चुका है। अब लॉरेन फादर के पास जाती कि उसे पता चला कि ये एक सैटनिस्ट का काम है। फादर अपनी बेटी के बारे में बताते हैं एंड ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली उनकी बेटी ही कर रही है।
उनकी बेटी ही ये सब करे, क्योंकि वो उसने अपनी सोल सैटर्न को सैक्रिफाइस की थी एंड उससे अभी वो रिचुअल्स करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अपनी सोल एंड इंटरनल लाइफ को बचाने के लिए। ये सब देख के उस सैटर्निस्ट ने अपने पापा को उसके पिताजी को ही मार दिया। लॉरेन जब उस सैटर्निस्ट के पास गई तो लॉरेन को पहले काम करना था उसके टेबल को मतलब गिरा देना था ताकि वो सारा जादू टूट जाए। उधर ही सैटर्निस्ट आ जाती है, लॉरेन को रोकती है एंड उधर एंट्री होती है एड की भी। एड उधर कुछ मैपिंग करके आया था उसके जूनियर के साथ, जूनियर से तो आया नहीं था पर वो मैपिंग में जूनियर ने हेल्प किया था। लॉरेन अभी बहुत खतरे में थी, लॉरेन को वो सैटर्निस्ट बार बार हेलुसिनेशंस कर रहे थे, डरा रही थी, बहुत सारी चीज़ें दिखा रही थी, बट अल्टीमेटली लॉरेन ने उसे अपने आप को मतलब जख्मी पहुंचाने से रोक दिया। उधर ही जो एड थी, एड पे उस सैटर्निस्ट ने अटैक कर दिया एंड एड को भी पोजेस कर दिया। उधर ही डेविड के फ्रेंड की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो भी पोजेस हो चुका था। इसका मतलब एड और डेविड का फ्रेंड दोनों पोजेस हालत में कुछ भी करने वाले थे एंड कुछ भी हो सकता था उधर। नाउ जब हमें दिखाया जाता है कि अभी एड सारी तोड़फोड़ कर रहा है एंड एड अभी लॉरेन को मारने वाला है, बट लॉरेन उसके कुछ पास्ट लाइफ दिखा के, उन दोनों की पास्ट लाइफ, उन दोनों की लव लाइफ दिखा के उसे वापस होश में लाती है, वापस होश में लाती है। एंड एड एक एक्स पकड़ के और लॉरेन पे वार कर रहा था, उसी एक्स से ही वो टेबल को तोड़ देता है। एंड जब वो टेबल तोड़ता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सैटर्निस्ट ने अपने लाइफ जो सैटर्न को दी थी एज अ गिफ्ट, उसने वो रिचुअल्स पूरा नहीं किया इसलिए वो भी मर गई। डेविड का फ्रेंड भी ठीक हो गया बट कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा दी। बट उन 5 साल के जेल में ही डेविड का फ्रेंड और डेविड की बहन ने शादी कर ली एंड एक हैप्पी लाइफ जीने लगे। दोनों ही मैरिड हो गए इन प्रिजन एंड फाइनली जब वो रिहा हुआ सब ठीक हो गया। लॉरेन वॉरेन एंड एड वॉरेन भी एक शांति भरी लाइफ जीने लग गए एंड इधर ही मूवी एंड हो जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि डेविड का फ्रेंड वो तो लड़कियां एंड एड वॉरेन ही क्यों चुने गए इस काम के लिए। ना सैटनिस्ट का गोल था इस रिचुअल को पूरा करने के लिए, उन्हें 3 पोजीशंस चाहिए थे। फर्स्ट पोजीशन एक नाबालिका होना चाहिए था जो वो लड़की थी। नाउ सेकेंड पोजीशन एक लवर का होना चाहिए था जो डेविड का फ्रेंड बना। ना थर्ड पोजीशन एक मैन ऑफ गॉड का होने वाला था, तो वो था एड वॉरेन। सो इन 3 पोजीशंस ने ही मतलब उसका काम, उसका पूरा रिचुअल कंप्लीट होने वाला था। इस रिचुअल में क्या करना था, जो भी पोजेस हुआ उससे पहले एक मर्डर करना था एंड फिर अपने आप को सैक्रिफाइस करना था। सो उसी मतलब उसी रिचुअल को लेते हुए उस लड़की ने जो पजेस हुई थी अपनी फ्रेंड को मार डाला, उसके बाद वो क्लिफ से जंप करके अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। इसीलिए डेविड का फ्रेंड कंटिन्यूसली पजेसिव हालत में था क्योंकि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करना था, अभी वो चीज़ बचा था। तो डेविड का फ्रेंड पहले उसके ओनर को किल कर दिया एंड फिर अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला था, बट एड एंड लॉरेन वॉरेन ने उन्हें बचा लिया।